चैनपुर परिसर के संत जॉन कैथोलिक चर्च में बुधवार को पुरोहित एजिकेल टोप्पो का पुरोहित अभिषेक समारोह किया गया। अभिषेक की इस धार्मिक विधि को मुख्य अनुष्ठान रांची के महाधर्मा अध्यक्ष आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो ने सह अनुष्ठा बिशप फेलिक्स मकारेन गुमला धर्म प्रांत के प्रशासक फादर डिनुस इंगल एक्का पल्ली पुरोहित फादर रजत एक्का के सहयोग से संपन्न कराया गया। इस अवसर पर अलग अलग स्थानों से पहुंचे 40 से अधिक पुरोहित गण धर्म बहाने एवं विश्वा गण उपस्थित रहे। अभिषेक की इस बेला में मुख्य अनुष्ठा बिशप स्वामी ने अपने संदेश देते हुए कहा कि नौ अभिषिक्त फादर एजेकियल टोप्पो समाज की सेवा करते हुए दया प्रेम एवं शांति का संदेश लोगों तक पहुँचाएंगे। पुरोहित का जीवन मानव सेवा के लिए होता है। पुरोहित ईश्वर के दूत होते हैं जो मानव जाति के कल्याण के लिए आए हैं। पुरोहितों का जीवन बहुत संघर्ष जीवन होता है। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायोजक एजेकेल सहित समस्त पुरोहितों का स्वागत करते हुए वेदी तक लगाया गया। स्वागत में युवतियां द्वारा आकर्षण आदिवासी नृत्य प्रस्तुत किया गया। पुरोहित अभिषेक की विधि के अंतर्गत उपयाजक एजेकिए टोप्पो का परिजनों एवं परिचितों द्वारा प्रारंभिक रूप से तेल हल्दी तिलक लगाकर विधि संपन्न की गई, जिसके उपरांत उन्हें आज्ञा पालन ब्रह्मचारी एवं सादगी के साथ अपना जीवन जीते हुए समाज की सेवा करने का निर्देश दिया गया। मौके पर रूप के फादर नरेश कुजूर, प्रशासक के सचिव फादर कुलदीप खलको, फादर कोमोश कुजूर, फादर राजेंद्र तिर्की, फादर अजीत एका, फादर अदीप उपस्थित रहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।